तो हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वो आप सबसे पहले तो आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया आपके कमल नयन हमारे इस तुच्छ से चैनल पे पधारे। देखिए हमको काफी मस्त काफी बढ़िया सा लगता है और आज आपके कारण मेरे चैनल पे 100 के सब्स हो गए। उसी के खुशी में आज हम करने वाले हैं Q&A। देख लिया हमारे खराटेदार इंग्लिश बोलने का स्टाइल, ऐसे बोला जाता है सामने वाला इंप्रेस हो जाए ससुरा, और ऐसे ही वॉइस ओवर किया जाता है, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसे बोलने में अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन बहुत लौंडा हमको कहता है गबार, तो भैया हम गबार ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे कभी, ठीक है। और एक जरूरी बात तो आपको बताना ही भूल गए, एक लड़की हमको बोली कि भैया ऐसे गबारियत बड़ा फनी वॉइस ओवर करते हो, तुमको शर्म नहीं आता? आप यकीन नहीं करेंगे, आपके भाई ने सिंगल रहते हुए उसको ब्लॉक कर दिया। ससुरी हमारा वॉइस ओवर के बारे में बला बुरा बोलेगी, मारकर तोड़िए देंगे। खैर देखिए अब हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पे, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा हो गया तो हमको 5 घंटा नदी के किनारे बैठना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। वाईफाई ससुरा खराब हो गया है, और वाईफाई आता भी है तो बस 2 दिन के लिए, तीसरा दिन मुंह दिखा के उसके बाद चला जाता है। हाँ तो सबसे पहले हम क्रिस भैया से स्टार्ट करेंगे। तो हाय भाई का कहना है कि आपका नाम क्या है? देखिये पार्की और राजा दोनों मेरा नाम है, और साथ में लिविंग प्लेस। भैया पटना से 200 किलोमीटर दूर भागलपुर, और भागलपुर से 200 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर दूर बांका, और बांका से बस 15 किलोमीटर दूर चिलकाबर गाँव के निवासी है हम, ठीक है। और तीसरा नंबर पे लिखा है कौन सा माइक यूज करते हो? देखो भैया हम सैमसंग का माइक यूज करते हैं, ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को दिया था। और उसके बाद है इंस्पिरेशन कौन है BGMI में, है सवाल का आंसर हम लास्ट में देंगे। लेकिन एक तो और क्वेश्चन है विच डिवाइस, तो भैया हम iPad 8 जेन में खेलते हैं, ये बच्चों को बताए। लेकिन ऐसे एक नंबरा क्वेश्चन अगर 12th में आया होता ना तो हम फेल नहीं करते ससुरा, पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन घुसा दिया था, म्यूटेंट मुटेंट पता नहीं क्या क्या, अपना दुखड़ा क्या ही सुनाएंगे, छोड़िए इस सब बात को, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हाय भाई साहब का नाम है इंस्टेंटली फॉर यू, गलती हो गया, इंस्टेंटली हेल्प फॉर यू, ये हेल्प का नाम जैसे सुन लिए हम इसीलिए इसका कमेंट ले लिए। हाय भाई साहब का कहना है कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? अच्छा 10 है मेरी गर्लफ्रेंड, तो क्या हो गया आपको चुम्मा देने आ गई? अरे भैया अगर मेरी गर्लफ्रेंड कोई होती तो भाई लोग हम सिनेमा हॉल में अभी टाइगर शराब का मूवी ना देख रहे होते, बताइए तो है? साथ में जॉनी, छोड़िए उस सब बात को, इस सब बात डिस्ट्रैक्ट करता है अपन को, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका नाम है रिस्पेक्ट खैबी को करो, ठीक है हमको नहीं करो। और दूसरी बात ये कि ये पूछ रहे हैं कि अपना फेस रिवील कब करोगे, तो देखो हम बहुत जल्दी अपना फेस रिवील कर देंगे, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा डर लगता है जी कि कहीं अगर हम फेस रिवील किए 2-4 लड़की आत्महत्या कर ली, हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन आप गाइस यार सॉरी यार, मैं बहुत जल्दी फेस रिवील कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ा बहुत मनिया समझ रहे ना बात को, इसीलिए कैमरा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी लेने वाले हैं और उसके बाद हम फेस रिवील कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा खींचिए जी। जेकॉब गेमर जी कह रहे हैं कि आपने अपने चैनल का नाम पार्की BXC क्यों रखा? उससे पहले एक और है कि 100 के की हार्दिक बधाई, तो भैया आपको भी बधाई 100 बच्चे की। और दूसरा बात ये कि हमको सर तर अच्छा नहीं लगता है सुनने में, अपन ठहरे देहाती मस्त लौंडा, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए सर ज्यादातर बच्चे ना बोले। और दूसरी बात ये कि मैंने चैनल का नाम पार्की BX इसलिए रखा कि मेरा नाम है पार्की, और दूसरा वैल्यू ऑफ एक्स, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया है कि आखिर आप YouTube से कितना कमाते हो, अर्निंग क्या है आपकी YouTube की? रुकिए हमको जरा सा ये सैड म्यूजिक लगाने दीजिए, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। देखिए अगर हम YouTube से कमा भी रहे होते तो आपको हम एक को रुपया नहीं बताते कि हम YouTube से कितना कमाते हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए बहुत लौंडे ऐसे होते हैं जो YouTube की अर्निंग देख के ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं और उसके बाद YouTube स्टार्ट कर देंगे, रातों रात ससुरा करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भाई के ओपिनियन रखना चाहते हो तो देखो, अगर आप पढ़ाई कर लेते हो और उसके बाद यूट्यूब पे आते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हो उसके बाद यूट्यूब पे आते हो तो आप कुछ भी हो सकते हो, आपको डर हमेशा रहेगा, ठीक है, इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई करना और अपनी अर्निंग किसी को मत बताना, ये मैंने दुकानदार से सीखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का कहना है ऑफिशियल है काजी? ना ऑफिशियल नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार एडिट भी कर चुका है बच्चा, सबका नॉलेज रखते हैं। इनका कहना है कि आपके पापा क्या करते हैं?
देखिए मेरे पापा छोटे मोटे डॉक्टर हैं, और दूसरा बात यह है कि जब उनको पता चला तुम यूट्यूबर हो तो फर्स्ट रिएक्शन भैया एकदम चौंक गए थे, ऐसा लगा कि ससुरा का कर दिया है मैंने, बस दो तीन चप्पल उठा के मार दिए। और दूसरी बात यह है कि आपका रियल नेम क्या है, आपका एज क्या है, एज तो हम नहीं बताएंगे, 10/2/2002 का है। और एक क्वेश्चन है कि आपका एड्रेस क्या है, काहे बताएं बे, आए लाठी उठी लेके पहुंच गया, आजकल बहुत होता है ऐसा हमने देखा है। और नीचे कुछ अभद्र क्वेश्चन है जिसको कि हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अश्लील क्वेश्चन पूछने में खराब नहीं लगता है जी। गब्बर एक्सओपी जी का कहना है कि हम क्या पूछें, आपका जवाब नहीं तो हम आपको क्या बोलें, मेरे पास थैंक यू नाम का कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट एके गेमिंग भैया का कहना है कि योर नेम योर एज योर फेस, योर फेस का क्या मतलब हुआ जी, अरे सुंदर है, योर डिवाइस, योर डिवाइस तो बता दिए, योर नेटवर्क भैया कोई नहीं, बस थोड़ा बहुत जियो पे खेल लेते हैं, योर स्टेट बिहार, एंड आपकी फैमिली में कौन कौन है, सब है भाई बहन पप्पा मम्मी। और कह रहा है कि अगर हमको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लेंगे, ठीक है हम कर लेंगे सब्सक्राइब। नेक्स्ट आर्मी लव का कहना है कि भैया आपने कितने लड़की को अभी तक प्रपोज किया है, किए तो हम 10-15 को है, झूठ का बोलेंगे अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन एक भी लड़की ऐसा नहीं हुआ है कि हमको रिप्लाई में कुछ अच्छा बोली हो, सब वही 2-3 थप्पड़ मार के बस निकलते गई। और नीचे लिखा है आपने कितनों को किया, आपको कितनों ने किया, किया तो किसी ने नहीं, मैंने जरूर कर दिया है। भैया का नाम हुआ सिद्धेश, और इसका कहना है कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, यूट्यूबर या कुछ और। देखो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम आर्मी बनना चाहते हैं, अब क्या होगा ये फ्यूचर में पता चलेगा, आपको हम सब का ब्लॉग डालेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई का क्वेश्चन थोड़ा हटके है मजाक से, ये भाई का कहना है कि स्टडी के साथ यूट्यूब मैनेज कैसे करते हैं। देखो भाई जब तक आप स्टडी कर रहे हो तब तक आप यूट्यूब शॉर्ट्स डालो, और जब आपका स्टडी खत्म हो जाए उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट कर दो। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, तो हाय भाई सब का कहना है, पहले तो इसका नाम देख लीजिए, ऑफिशियल सख्त वाईटी, भैया लोहा भी पिघलता है। ये भाई का कहना है कि मैं किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, दिन ब दिन मेरा गेम प्ले भी खराब होता जा रहा है, और मैं क्या बताऊं। देखो भैया आप अपने लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ, इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको मैं नहीं दे सकता क्योंकि उतना बड़ा मैं नहीं हुआ हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, खाना पीना भैया का कहना है कि आपका कौन सा वीडियो सबसे पहले ग्रो हुआ था, लॉन्ग या शॉर्ट। देखो यही वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और यहीं से मैंने बोला था अब देखो दिस इज माय फेवरेट डायलॉग बन गया यहां से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हाय भैया का कहना है, साइडो नाम है इसका, इसका कहना है कि आपका इनकम क्या है, नथिंग। दूसरा चीज है कि आपके चैनल ग्रो होने का राज क्या है, तो राज कुछ नहीं है, राज मेरा नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखो परवीन भैया का कहना है कि आप अपने ब्राउजर का हिस्ट्री बताओ, हमको लगता है फिरकी लेते हुए पूछे हैं। देखिए उसमें सन्नी भैया सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए हम आपको नहीं दिखा सकते, आप भी बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट लेजी बालक का कहना है कि सबसे पहले आपको प्यारा वाला चुम्मा, आपका नाम क्या है बता दिया, किस स्थान से बिलोंग करते हो ये भी बता दिया, आपके घर वालों को पता है कि आप यूट्यूबर हो, जी बिल्कुल पता है, जी अब कितनी है ये तो आपको बता दिया, आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, भाई 5 हैं, जब आप डिमोटिवेट होते थे तब आप क्या करते थे। हर सवाल का आंसर देने में हमको थोड़ा सा मजा आएगा। देखिए जब भी मैं डिमोटिवेट वगैरह होता था तो मैं सीधा अपने दिमाग को 10-15 गाली दिया, क्योंकि ससुरा फसाद का जड़ यही है, यही सब कुछ सोचता है, और उसके बाद मस्त एकदम मलंग होके मैं सो गया और कुछ नहीं करता था मैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो रिकी वाइटी का कहना है कि आपका निकनेम क्या है, राजू, और दूसरी जी अब का नाम क्या है, ड्रीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो रस गॉड गेमिंग का कहना है कि आप पहले से फनी थे या वीडियो बनाते बनाते फनी हो गए। देखिए हम अपने पप्पा से हमेशा मजाक करते हैं, पप्पा लाठी मारते हैं लेकिन हम मजाक करते हैं, मम्मी से भी मजाक करते हैं, हम सबसे मजाक करते हैं, और शायद यही मेरे फनी होने का थोड़ा बहुत राज है। मेरे को पता नहीं कि आप लोग मेरे कॉमेडी पे हंसते हो या नहीं हंसते हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ। और बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, तो हाय भाई साहब तो बड़का ठोक पैराग्राफ लिख दिए हैं, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, लव यू ब्रो कीप ग्रोइंग। ससुरा लड़का है कि लड़की, दिख नहीं रहा है, साफ साफ लड़का है हम, कोई खोट लग रहा है तुमको। सैडनेस पूर्वक आगे बढ़ते हैं, तो हाय भाई साहब का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी अगर तुम बन जाओ तो क्या करोगे। भैया जितना भी सड़क पे आदमी दिखता है या कोई भी जानवर दिखता है वो नहीं दिखना, अरे मजाक किए, हम जाएंगे कोरिया। देखिए भैया दूसरी बातों को आप इग्नोर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नियो भाई का कहना है कि छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट, बस इसमें एक ही है, पूरा लव लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका चैनल बनाने का आइडिया कहां से आया। देखो भाई साहब हम कैरी मिनाटी और भी बहुत सारे यूट्यूबर को हम बहुत ज्यादा देखते थे, यहीं से मेरे को आइडिया आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो मैंने बना लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो रिया ओपी जी का कहना है, देवी जी का कहना है कि आप किसको देख के इंस्पायर्ड हुए थे जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, यूट्यूब जर्नी बताओ, जरूर बताएंगे लेकिन देखिए कॉफी पे बताएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी सेपरेट वीडियो में, ठीक है। और धीरे धीरे
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट्स योर इंस्पिरेशन, ये पूछ रहे हैं ऋतिक कुमार। बिकॉज स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है बट आपने गिव अप नहीं किया। भैया हम कभी गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर आप जैसे ही सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखता हूँ फिर मोटिवेशन चढ़ता है मेरे ऊपर। मैं BGMI कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं भक्ति कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो देखो भाई साहब, जिस दिन आपने अपने आप को सक्सेसफुल यूट्यूबर या कुछ भी समझ लिया ना, सक्सेसफुल वर्ड जिसमें भी लग गया ना भैया, उसी दिन से आप अनसक्सेसफुल रह जाओगे क्योंकि वहीं पे आप थम जाओगे। इसीलिए भैया आप अपने आप को कभी भी सक्सेसफुल मत समझो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम एक और बानी बोलेंगे। एक तो लाइन यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है कि जब भी वीडियो डालते हैं एक व्यू आता है, दो व्यू आता है। मैं भाई साहब 2 साल तक वीडियो डालता रहा लेकिन उसमें बस 3-4 व्यू आते थे, वो भी मेरे। मैंने स्टार्ट कर दिया खुद से देखना, 10-15 बार देख लेता था और मेरे वहां से वीडियो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। राज बता दिया आपको, टेंशन नहीं लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है भाई साहब का नाम देखिए रोमांटिक शॉट और रोमांटिक बात लिखा है। है भाई का कहना है कि भाई शादी कब कर रहे हो। देखिए बहुत जल्दी हम शादी कर लेंगे, रिश्ता तो भजवाइए। और दूसरे भाई का कहना है कि तुम्हारा कई वो बच्चा है, बहुत बच्चा है, एक तो क्रिकेट टीम लेकर चलते हैं, ठीक है टेंशन नहीं लीजिए। और एक भाई का कहना है कि भाई मेरा गर्लफ्रेंड कौन है, अब हम बताएं कि गर्लफ्रेंड कौन है। ढूंढो, कॉलेज के बाहर कहीं भटक रही होगी। अच्छा देखो गाइस, जो जो कमेंट मेरे को अच्छा लगा, जिसके जवाब मैं दे सकता था मैं उसका जवाब दिया। अब जिसका कमेंट मैंने नहीं लिया वो आएगा इंस्टाग्राम पे और मेरे को कहेगा ससुरा तुम मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, अब तुमको हम अनसब्सक्राइब मारेंगे, तुमसे नाराज है 9, 17, 10, 20। है सब बचपना है सब छोड़ दीजिए गाइस यार। जो भी मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था जिसके कमेंट का जवाब मैं दे सकता था मैंने वो दिया, मेरे को अच्छा लगा मैंने दिया। अब जो जो कमेंट ऐसा था कि भैया एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं उसका क्या जवाब देता है कि नहीं। लेकिन आपके लिए एक शुद्ध वाणी है जो कि मेरे तरफ से आपको प्रोवाइड है, तो सुनते जाइएगा और उसके बाद ही चैनल को क्लोज कीजिएगा। चलिए जरा सुन लीजिए। आप लोग यही कहते हो ना हमेशा कि मैं किससे इंस्पायर्ड हुआ, किससे इंस्पिरेशन मिला, ये वो 9, 17। देखो हम किसी से नहीं हुए और हुए तो हम सबसे हुए, जितने भी यूट्यूबर हैं मैं सबसे हुआ। देखो सबका मैं वीडियो देखता हूँ और सबसे मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। जैसे खान सर हैं, उनसे भी मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनके पास पढ़ने के लिए जाता हूँ, बहुत चीज मेरे को सीखने को मिलता है। आप कैसे हंसाते हो लोगों को, कैसे क्या करते हो, आप जो ऐसे अंट संट नाम रखते हो ना अपने चैनल का कि ये किलर वो किलर, ये 10-15, ये 15, ऐसे नाम आप मत रखो अपने चैनल का। देखो ग्रोथ तो अपने जगह है लेकिन आप अपने आप को तो पहले बढ़िया करो, उसके बाद ना लोग आपको देखेगा। देखो जब भी आप वीडियो बनाते हो तो उसको कौन देखेगा, आपके सिवा। आपने वीडियो बनाया तो भैया आपने ही देखेंगे ना। देखो ये बहुत डीप मीनिंग था इसका, आप समझना, उसके बाद आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। भाई साहब देखो यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो बस एंटरटेन चाहते हैं और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो देखते हैं वीडियो इसलिए ताकि वो वीडियो बढ़िया बना सके। आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगा ना जी, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो गाइस यार यही सोच के आज से आपको बस लग जाना है, ऐसा मैंने कहा और आप लग गए, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। देखो जब तक आपके मन से नहीं उभरेगा ना तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जब तक आप काम करते हो उसका मेहनत मत देखो कि मैंने इतना मेहनत किया। बहुत लौंडे कहते हैं कि मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई और उसके बाद उस पे कोई व्यू ही नहीं आता है, ये मन का वहम होता है। जब भी अच्छा एक चीज बताओ, आप अपने दही को कभी खट्टा कहोगे नहीं ना, जब लोग उसको खाएगा तभी तो वो कहता है कि भैया आपका दही खट्टा है। और ये सही बात है, ठीक है आपको अपना वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। इसीलिए हमेशा मेहनत को नहीं देखो, हमेशा अपने काम को देखो, ठीक है। मेहनत को देखने के लिए ऊपर वाला बैठा है ना, वो क्यों बैठा है, वो तो हमेशा यही देखता है कि कौन बंदा मेहनत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई और आपसे बस एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना क्योंकि भैया अब लॉन्ग वीडियो हम डालना स्टार्ट करेंगे। गाइस यार मस्त रहना, खुश रहना, अपना ध्यान रखना, सुखी संपत्ति जीवन जियो यार, मस्त।